दोस्तों अगर आप भी जसप्रीत बुमराह की वापसी से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्निंग ने दी है भारत को सरेआम धमकी, तो भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने दिया है मुंहतोड़ जवाब। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत और आयरलैंड के बीच टी20 सीरीज के शुरू होने से पहले आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्निंग ने भारत के खिलाफ धमकी भरा बयान जारी कर दिया है, जिसको सुनकर आप कभी होश उड़ जाएंगे। तो वहीं इसका पलटवार करते हुए भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया जिसको सुनकर 140 करोड़ देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो आखिरकार पॉल स्टर्निंग और जसप्रीत बुमराह के बीच कैसी जुबानी जंग देखने को मिली है तो आपको बताएंगे ही, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह में कौन है बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारतीय टीम ने हाल ही में वेस्ट इंडीज के खिलाफ हार का सामना किया। इस दौरान भारतीय टीम ने 3-2 से सीरीज को गंवा दिया, जिसके बाद अब भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज खेलने के लिए तैयार है। आपको बता दें भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी, जो 18 तारीख से प्रारंभ होगी और 23 तारीख तक चलने वाली है। इस दौरान भारतीय टीम को आयरलैंड के खिलाफ 18 अगस्त को पहला टी20 मुकाबला, वहीं दूसरा टी20 मुकाबला 20 अगस्त को खेलना है और अंतिम टी20 मुकाबला 23 अगस्त को खेलना है। इस दौरान भारतीय टीम की कमान जसप्रीत बुमराह के हाथों में दी गई है, तो वहीं विरोधी टीम की कमान पॉल स्टर्लिंग के हाथों में दी गई है। ऐसे में भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली 3 मैचों की टी20 सीरीज से पहले दोनों टीमों के कप्तानों के बीच जुबानी जंग का दौर प्रारंभ हो चुका है। इस दौरान आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने भारत के खिलाफ धमकी भरा बयान जारी किया, जिसमें पॉल स्टर्लिंग ने बयान देते हुए कहा है कि भारत और आयरलैंड के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज में भारतीय टीम हमसे बचकर रहे, क्योंकि हमारी टीम के खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार हैं और भारत को हराने के लिए हमारी टीम के खिलाड़ियों ने पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन कर सकते, क्योंकि भारतीय टीम फिलहाल काफी ज्यादा कमजोर दिखाई नहीं दे रही। भारतीय टीम के मुख्य खिलाड़ी जो इस सीरीज में नहीं खेल रहे, भारत में युवा खिलाड़ियों के मजबूत टीम ने मैदान पर नहीं उतरने वाली। ऐसे में भारत की सबसे युवा टीम को आयरलैंड के खिलाफ खेलने का मौका मिलेगा, ऐसे में उनके ऊपर काफी ज्यादा दबाव रहने वाला है। तो वहीं भारतीय टीम के ऊपर दबाव का फायदा उठाते हुए हमारी आयरलैंड की टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी और भारत को बुरी तरीके से हराकर भारत को उसकी असली औकात भी दिखाएगी। वहीं पॉल स्टर्लिंग के बयान का पलटवार करते हुए जसप्रीत बुमराह ने कहा कि भारत और आयरलैंड के बीच सीरीज के अंदर भारतीय टीम को जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारी टीम के खिलाड़ियों के पास आईपीएल का अनुभव है और आईपीएल दुनिया की सबसे कठिन नहीं है। ऐसे में दुनिया के तमाम खिलाड़ी आईपीएल में बेहतर और खराब प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हमारी टीम के अंदर सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों को शामिल किया गया जिनका प्रदर्शन आईपीएल में बेहतर था। ऐसे में इन खिलाड़ियों के पास खोने को कुछ भी नहीं है, ऐसे में इन खिलाड़ियों के आगे आयरलैंड की टीम का टिक पाना बेहद मुश्किल है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि आयरलैंड की टीम अपने आप को बेशक मजबूत समझ ले, लेकिन भारतीय टीम को हरा पाना आयरलैंड की टीम के लिए फिलहाल काफी ज्यादा मुश्किल है। ऐसे में आयरलैंड की टीम सीरीज में हारी नहीं बल्कि क्लीन स्वीप के लिए भी तैयार है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस मुकाबले में कौन सी टीम जीत जाएगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।